हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज शिवानी झा टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज सरफेस इरिगेशन और फ्यूरो इरिगेशन तो आज हम फ्यूरो इरिगेशन का बेनिफिट देखेंगे फ्यूरो इरिगेशन के क्या बेनिफिट्स हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं एंड व्हेन वी यूज फ्यूरो इरिगेशन सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सो फ्यूरो इरिगेशन इज अ काइंड ऑफ सर्फेस इरीगेशन सिस्टम सी एज वी नो कि इंडिया में काफ़ी सारे इरिगेशन मेथड होते हैं लाइक ड्रिप इरीगेशन बेसिन इरीगेशन स्प्रिंकलर मैथड फ्यूरो इरीगेशन वॉटर वॉटर मैथड उसमें से ही एक फ्यूरोगेशन भी होता है तो आज हम फ्यूरोगेशन के बारे में डिटेल वीडियो देखेंगे नाउ फ्यूरो इरीगेशन हम कब यूज़ करते हैं इसका मतलब वेन वी यू यूज फ्यूरोगेशन तो हम फ्यूरोगेशन को तब चूज़ करते हैं कि हमें फ्यूरोगेशन करना है जब हमारा सॉइल का टेक्स्चर जो है वो फाइन होता है ठीक है मीन्स सॉइल टेक्सचर जो है हमारी फाइन होती है तब हम फ्यूरोगेशन को करना चूज करते हैं एंड तब भी यूज करना चूज करते हैं जब हमारा जो क्रॉप है वो सिंगल रो में सो कर सो करते हैं तब जो एक पूरा ऐसे जैसे आप फिगर में देख लूंगे सिंगल लेन में ऐसे सिंगल रो uh, में एक रो में ये क्रॉप जो है वो सो किए गए हैं तो इन जब अगर इस टाइप का हम क्रॉप यील्ड कर करते हैं तब हम इसमें फ्यूरोगेशन करते हैं ठीक है नौ ये तो हो गया कि हम किन किन कंडीशंस में फ्यूरोगेशन का यूज करते हैं फ्यूरोगेशन है क्या फ्यूरोगेशन में लाइन से जैसे आप देख रहे होंगे एक लाइन में क्रॉप लगी है दूसरी तर... दूसरी तरफ इनके दोनों तरफ मतलब एक लाइन क्रॉप का होता है एक लाइन जो होता है वो वाटर का होता है ठीक है ये वाटर का ये रिजिस बने होते हैं इसके अंदर वाटर जाता है एंड ये जो वाटर है ये डायरेक्टली रूट में धीरे धीरे करके जाता रहता है कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है रूट्स में तो इसकी वजह से क्या होता है जो क्रॉप है हमारा उस वो यील्ड जल्दी कर अच्छे से करता है क्वालिटी यिल्डिंग होती है क्रॉप की ना फ्यूरो इरीगेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं इसमें क्या होता है वाटर वेस्टेज कम होता है ठीक है कम अमाउंट में वाटर यूज़ करते हैं बट ज़्यादा लैंड इरीगेट होती है इससे क्या होता है कि वाटर की ड्यूटी इंक्रीज हो जाती है ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड कोर डेप्थ ये सब क्या है इसके क्या यूज़ हैं क्या डेफिनेशन है ये ये सारे इन सब पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाए मिल जाएगा आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा नौ सी ऐसे कौन से क्रॉप हैं जहाँ पर सिंगल रो में एक ही लाइन में हम क्रॉप को लगाते हैं एंड किस क्रॉप के लिए हम फ्यूरोगेशन यूज़ करते हैं तो क्रॉप लाइक मेज़ सनफ्लावर सोयाबीन शुगर केन गार्लिक बीट रूट एसेट्रा इन सब के लिए हम फ्यूरोगेशन का यूज़ करते हैं ये सारे क्रॉप जो हैं एक लाइन में ही लगाए जाते हैं सी फ्यूरोगेशन में कॉस्ट रिडक्शन uh, होता है फॉर इरीगेशन मीन्स कम कॉस्ट में अच्छा इरीगेशन हो जाता है क्रॉप्स का ये फ्यूरोगेशन पहले तो ये कि जो क्रॉप्स रोम एक ही रो में सो के जाते हैं उनके लिए यूज़ होती है ठीक है जैसे मे सनफ्लावर क्रॉप्स इन सब के लिए एंड उन क्रॉप्स के लिए जिनका रूट्स जो है वो हमेशा पानी में रहे तो वहाँ भी फ्यूर फ्यूरोगेशन का यूज़ किया जाता है ठीक है क्या होता है इसमें साइड से ये पानी हमेशा डिपोजिट होता रहता है रूट्स में जाता रहता है कंटिन्यूसली जिसकी वजह से जो ऐसे क्रॉप्स हैं जिनका रूट्स पानी में होना जरूरी है होना हमेशा ही चाहिए मतलब पानी के अंदर वो अच्छे से यील्ड होती हैं फ्योरोगेशन में ये मे सनफ्लावर्स तो होते हैं और जैसे फ्रूट्स होते हैं ना ग्रेप्स वगैरह उसमें भी हम फ्योरागेशन का यूज़ करते हैं एंड वीट वीट जो में भी हम फ्योरागेशन का यूज़ करते, uh, uh, यूज करते हैं जो लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा उन्होंने देखा होगा इसको नाउ वट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्यूरोगेशन तो क्या होता है ये क्विक मास एरिया इरीगेशन इज पॉसिबल मतलब इसमें जल्दी से ज़्यादा एरिया इरीगेट हो जाता है लो इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायर्ड होती है इसका जो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड लेबर जो है इसका सब ऑलमोस्ट जीरो ही रहता है कि एक बार पानी भर दिया बाकी अपने आप ही वो इरीगेट हो जाता है लैंड ठीक है कॉस्ट एफिशिएंट है ये एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस तो डिसएडवांटेजेस क्या है ये सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल जैसा कि पहले ही डिस्कस किया है कि ये जिसका जो जिसका सॉइल टेक्सचर जो है वो फाइन है ये बस उन्हीं के लिए सुटेबल है ठीक है दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है सॉल्ट्स जो हैं वो एकूमलेट हो जाते हैं रेजेस ऑफ सॉइल में बिटवीन द फ्यूरो जो हमारा पानी हम इसमें डिपॉजिट करके रखते हैं कि आ, पानी जाता रहे इसके अंदर उसकी वजह से क्या हो जाता है जो सॉल्ट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं साइड्स वगैरह में रेजिस में जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स का खराब होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं ये हर क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है कुछ Uh, कुछ ही क्रॉप्स हैं जिनके लिए सुटेबल है फ्यूरोगेशन ये नहीं है कि किस कुछ भी क्रॉप हमने एक लाइन में लगा दिया एंड उसमें हमने फ्यूरोगेशन कर दिया नहीं तब ये पॉसिबल नहीं होगा ठीक है ये सुटेबल नहीं रहेगा ना हमें हर बार जब भी हम न्यू क्रॉप उसमें लगाएंगे या जब हमारा एक बार हमने पानी फिल कर दिया इस फील्ड के अंदर इन रिजिस के अंदर तो एक बार जब हमारा पानी फिल, फिल हो गया उसके बाद जब ये पानी ख़त्म होगा तो हमें दोबारा से इनकी सफाई करनी पड़ती है ताकि ज़्यादा जितना भी सॉल्ट है वो सारा निकल जाए एंड उसके बाद हम उसमें दूसरा पानी भरते हैं ताकि जो सॉल्ट्स हैं वो डिपोजिट ना रहे आ, नहीं तो हमारी क्रॉप्स जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी सो ये कुछ डिसएडवान्टेज थे फ्यूरो इरीगेशन के आई होप यू लाइक दिस वीडियो Thank you for watching. Please do like, subscribe and share my channel.